राठ कोतवाली क्षेत्र के गांव में एक कलयुगी मां ने अपने ही कोख से जन्म देने वाली नवजात बच्ची को झाड़ियों में मरने के लिए फेंक दिया। सुबह के समय जब गांव की महिलाएं शौच करने के लिए खेतों की ओर गई तो नवजात को रोते हुए देखा। महिलाएं नवजात को उठाकर गांव पहुंची। गांव की इंद्र कुमारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नवजात को भर्ती कराया, जहां पर नवजात शिशु की हालत ठीक बताई जा रही है। घटना की जानकारी लगते ही गांव में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी है। गांव की कुछ औरतों ने बताया कि देवी मां की कृपा से बच्चे की जान बच सकी। और जहां देश में एक तरफ नवरात्रि के त्यौहार पर मां दुर्गे की पूजा चल रही है, वहीं कलयुगी मां ने इस घिनौने कृत्य को करके समाज को कलंकित करने का काम किया। अच्छा, ये जो बच्ची मिली है आपको कहाँ मिली है? ये हमारे खेत पे पड़ी मिली। अच्छा, कितने टाइम और आप क्या करने गए थे? हम अपनी सास के फूल भेज के आए थे बाहर गांव लो, सो लेटरन गया। लेटरन गए तो आवाज सुना, तो हमने कही कुतिया उतिया भैया तो पिल्ला चिर चिल्ला रहे। जब आवाज सुनानी बच्ची कैसी, सो फिर दो तीन जने कह लेते तो बच्चा सुन लो, तो सब जने भगत गए देखा। सोते रहा बच्ची को उठाई कि जिंदा ही ले चलो, उठा लिया। आप अस्पताल आ गए, बच्ची की हालत कैसी है? बच्ची ने मैंने दूध पिला दिया है और हेर भी लेती है, रो भी लेती है। घायल अवस्था में है? उसका कांटे लगे हैं, दांतों में कांटे लगे हैं और चोटें भी हैं, फटक गई गई है। सन्ना था के खेतों में तो कांटे आटे गए, कांटे लगे हैं दांतों के बमर के।